दोस्तों, और मेरा नाम राघवन है और आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ। ये हमारे अंकित जी हैं और इनकी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की शॉप जो है ये रमाईपुर में पड़ती है। रमाईपुर जो पड़ता है एरिया, ये सागर जो हमीरपुर का जो हाईवे पड़ता है, कानपुर से जब आप हमीरपुर के लिए जाएंगे तो कानपुर से समथिंग 9 से 10 किलोमीटर, कानपुर से 9-10 किलोमीटर एक रमाईपुर बहुत बड़ा चौराहा पड़ता है। और यहाँ पर कम से कम नहीं है तो 200-300 गांव आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर सारे लोग जो भी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का जो भी सारा काम होता है यहाँ पर आते हैं मार्केट में। तो सर की अपनी पहली बात तो ये पर्सनल शॉप है, दूसरी बात क्या है, यही इनका घर है और इन्होंने अपना पूरा रिपेयरिंग का पूरा सेटअप बनाया है। मेरे पास इनको ट्रेनिंग ली है समथिंग 8 महीना हो गए। नहीं, कितना टाइम हो गया होगा, 7-8 महीना हो गया इनको ट्रेनिंग लिए। पहले इन्होंने कहीं दूसरी जगह पर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए ज्वाइन किया था, फिर बाद में जब इनको पता चला तो वहाँ पर इनको रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पाया, तो उन्होंने 1-2 दिन क्लास करने के बाद और आज सब सीखने के बाद अपना बढ़िया अच्छे तरीके से शॉप चला रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये इनकी शॉप है, पूरा बहुत अच्छे से सेट कर रखा है। क्योंकि हम जितने भी सजेशन को जो लोग ट्रेनिंग देते हैं तो सिखाने के साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि कैसे शॉप रन करना है, कैसे सामान लेना है, कैसे काम करना है, किस तरीके से वर्किंग करना है। क्योंकि मुझे सर इस लाइन में कम से कम 17-18 साल हो गए इस लाइन में काम करते करते। हमारा बच्चों के लिए यही गाइडेंस रहता है कि जब हम मोबाइल फोन रिपेयरिंग की लाइन में काम करेंगे, शॉप करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी होती है, हमारी नॉलेज अच्छी होती है, तो ही तो हम अच्छा काम कर पाएंगे। अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, हमारी नॉलेज अच्छी नहीं होगी, तो हमको काम करने में परेशानी आएगी। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन को बहुत अच्छा रिपेयर करना जानते हैं, मोबाइल फ़ोन बहुत अच्छा रिपेयर करने के साथ साथ आपको दुकान चलाने के और भी तौर तरीके होते हैं, वो भी सीखने पड़ते हैं। वो जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं जो बाहर से रहने वाले होते हैं या लोकल के रहने वाले होते हैं, वो जब कानपुर में ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि वहाँ पर उनको सागर मार्केट है। सागर मार्केट जो देखा जाए अपने यूपी की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की मार्केट है, 5,000-7,000 मोबाइल फ़ोन की दुकानें हैं। वहाँ पर बच्चे जब ट्रेनिंग लेते हैं, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने का कोर्स सीखते हैं, चारों तरफ मार्केट के बारे में सीखते हैं, तो उनको सामान के बारे में, पार्ट्स के बारे में, मशीनों के बारे में, टूल्स के बारे में, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे जो एसेसरीज पार्ट्स आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में उनको इतना अच्छा अनुभव हो जाता है, ताकि वो जब काम करेंगे जा करके तो उसके साथ साथ इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने अपना रिपेयरिंग का देखेंगे पूरा अपना सेटअप बना रखा है और अच्छी तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग के साथ साथ इन्होंने पुराने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का भी फॉर्मूला अपनाया हुआ है। पुराने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने का फॉर्मूला का मतलब ये है कि जैसे जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं, स्क्रैप मोबाइल फ़ोन होते हैं, जो डेड मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो 500-700-800 रुपये के मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। कीपैड मोबाइल फ़ोन 80-60 रुपये खरीदते हैं। उस मोबाइल फ़ोन को फिर वो जब अपना रिपेयरिंग के लिए जो भी फ़ोन आते हैं, 1-2-3 मोबाइल फ़ोन आते हैं, उनको रिपेयर करके कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन जो ऐसे मोबाइल फ़ोन होते हैं जब इनके पास फ्री समय होता है, तो अपने समय को ना वेस्ट करते हुए, जैसे समय अगर आप देखेंगे, मैं इस समय दोपहर में आया हूँ और दोपहर के टाइम पे अगर देखेंगे तो शॉप पे अभी कोई कस्टमर नहीं है। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो ऐसे मोबाइल फ़ोन जो स्क्रैप मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, तो उनको मोबाइल फ़ोन को बनाते हैं, कीपैड मोबाइल फ़ोन अगर बना कर रेडी कर देते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, 70-80-100 रुपये का फ़ोन होता है और 250-300 रुपये का बिक जाता है। अब हम अपने बच्चों को ऐसा इसलिए बताते हैं, इसलिए समझाते हैं, ताकि जो उनका खाली समय है वो वेस्टेज ना जाए, उस वेस्टेज समय पर भी वो 2-4, 500-800 रुपये का काम कर सके और अच्छी तरीके से वर्किंग दें। क्योंकि जब हम अपनी पूरी दुकान को ओपन करते हैं, पूरी शॉप खोलते हैं, शॉप खोलने का मतलब रहता है कि हमको पूरा दिन काम करना होता है, 9 बजे से लेकर के शाम को 6-8 बजे तक अगर हम काम करते हैं, तो हमारा पूरा दिन का कैलकुलेशन ये होना चाहिए कि कम से कम हम दिन के अंदर 1,000-1,500 रुपये का आराम से बिजनेस करें और अच्छी तरीके से काम करें, ताकि हमारा तुम वेस्टेज ना हो। वेस्टेज ना होने के 2 सबसे बड़े कारण, या तो आपके पास कस्टमर होना चाहिए या तो आपके पास काम होना चाहिए। अगर कस्टमर है तो काम 100% होगा, अगर कस्टमर नहीं है तो आपको ऐसा जरिया जरूर ढूंढना पड़ेगा कि आपके पास काम की कोई कमी ना है, कि आप काम पहले से लेकर रख लो, या दुकानों से अटैच हो, या स्क्रैप मोबाइल फ़ोन हो उनको मोबाइल फ़ोन को बनाओ बेचो, या पुराने मोबाइल फ़ोन खरीदो उनको बनाओ बेचो। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो वेस्टेज समय होगा आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और उस टाइम पर भी कहीं ना कहीं इनकम को जनरेट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। तो अंकित जी आप बताइए कितना टाइम हो गया सीखे हुए, किस तरीके से रिपेयरिंग काम कर लेते हैं, सीखने के बाद कितना टाइम हो गया और कितना एक दिन के अंदर आप अर्निंग कर लेते हैं, ताकि और भी लोग जो हैं जिनके अंदर दिमाग के अंदर ये डाउट रहता है कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करने में कितना पैसा लगता है या आपने कितना अपना खर्चा किया, ये थोड़ा सा बताएं ताकि लोगों को एक आइडिया लगे। जैसा कि हम सर के पास गए थे, 6-7 महीने हो गए ट्रेनिंग किए हुए, तो
ट्रेनिंग करने के बाद में हमने एक पर्सनल नॉलेज ये किया कि आप सर अपना बेस्ट देते हैं, उसके बाद में कुछ बच्चे होते हैं उनको फोकस करने के होता है, आप जितना अच्छा फोकस करेंगे या आप जितना अच्छा ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे और फिर खुद से जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे, नहीं हाँ सर के भरोसे मत रहिए कि सर ये आपको बताएंगे, कुछ आप अपने मन से ट्राई करते रहिए, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहिए। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा ज़्यादा मोबाइल हो सकते हैं आप उनको खुद से हर चीज़ खोलना बांधना। आजकल आप ट्रेनिंग में सीख लेते हैं, बाद में ट्रेनिंग बाद में ये होता है कि आप सिर्फ खोल बांध नहीं पाएंगे क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस नहीं करी होगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप ट्रेनिंग के दौरान प्रैक्टिस हर चीज़ की करें, फुल सेट खोलने बांधने से लेकर हर एक चीज़ जितनी ज़्यादा हो सकती है, आपके हाथ में सफाई उतना अच्छा आएगा। जैसा कि सर ट्रेनिंग के दौरान सर ने मुझे बॉम्बू लगाना तो इतना अच्छी तरह से बता दिया था कि आज की डेट में मेरे पास एक भी कॉम्बो खराब वेस्टेज बन जाता है कि आता है तो कस्टमर हमसे खुश होकर जाता है कि नहीं सर आप कॉम्बो बहुत अच्छे से लगाते हैं, रिपेयर में कोई शिकायत नहीं मेरे पास। और फिर जैसा कि दुकान करा, दुकान में मैंने लगभग चार से 5,000 रुपये समथिंग पूरा लगाया हुआ था, उसके बाद में रिपेयरिंग का कुछ अपना सेटअप कर डाला, कुछ पुराने मोबाइल खरीद के उनको सेल करते हैं और मतलब टोटल अर्निंग मिला के मेरी 700-800 रुपये रिपेयरिंग से और कुछ 400-500 रुपये समथिंग इससे एक्सरी से हो जाती है। तो बस तो सर दिन भर का मतलब 1,000-1,500 रुपये अपना अपना इनकम को जनरेट कर लेते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये सर की बहुत अच्छी शॉप है, हंसी जी ने मेरे पास बहुत अच्छा सीखा हुआ है, 3 महीने का समय दिया, मेरे पास उनके साथ कोई स्किल नहीं था, मेरे पास डेली यहाँ से सीखने के लिए जाते थे तो अभी एब्सेंट रहे नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा समय देते थे, पूरा दिन क्लास करते थे, प्रैक्टिस करते थे, जितना मैंने इनको काम सिखा दिया उसके बावजूद भी प्रैक्टिकल करते थे। इसलिए प्रैक्टिकल करते थे कि सर हमको अपना काम करना है, मैं नहीं चाहता कि जब मैं काम करूँ तो मेरे हाथ में कोई कमी रह जाए। तो सर ने जैसे बहुत अच्छी बात कही कि सर लोग जो होते हैं वो तो हमको सिखाने में पूरा मदद करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर ये जुनून होना चाहिए सीखने का कि हमको ये काम करना है तो करना है। अगर आपने किसी काम करने को दोस्तों का ठान लिया कि ये काम हमको करना ही करना, तो समझ लीजिए दुनिया जान में कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको काम करने से रोक पाए, और दुनिया जान में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो आपको काम होने से मना भी हो पाए। क्यों? क्योंकि काम फोकस ही रहेगा, अगर आपने उसको जो छोड़ दिया तो छूट जाएगा, अगर आपने करेंगे तो 100% होगा। तो आज ये सर की हमारी बहुत अच्छी शॉप है, आप देखेंगे सर रिपेयरिंग के सर दिखा दीजिए कैसा सेटअप बना हुआ है, किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं और कैसे मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो उस मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करते हैं। ये रिपेयरिंग पूरी शॉप है, ये मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको रिपेयर भी करते हैं, ये सारी मशीनें हैं, सारे टूल्स हैं, सारे कवर हैं और बहुत अच्छा, लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है, जगह भी बहुत अच्छी है, लोग जाने वाले भी बहुत अच्छी जगह से आते हैं, पूरा अपना फर्स्ट क्लास सेटअप बना रखा है। और यहाँ पर जितने सारे मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज के पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, और एक्सेसरीज में भी बिल्कुल प्रीमियम एक्सेसरीज, प्रीमियम एक्सेसरीज का मतलब होता है अगर हम मोबाइल फ़ोन के अंदर जब हम प्रीमियम एक्सेसरीज को रखते हैं तो हमको एक वही हैंडफ्री जो आप 25 रुपये की हैंडफ्री को यदि आप 50 रुपये में सेल करते हैं, ये बात मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, लेकिन हमारे पास जब प्रीमियम एक्सेसरीज होती है तो 250-250 रुपये की बिकती है, 100 रुपये की 250 में जाती है और 25 रुपये की 50 में जाती है। सर ऐसा चीज़ है जो इस चीज़ की समझ लो हर एक आदमी की जरूरत है, कहते नहीं आज के समय में आटा हो चाहे ना हो लेकिन डाटा चाहिए। अब उसी लिए क्या है, मोबाइल फ़ोन को चलाने के लिए, ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फ़ोन कोई भी आदमी मोबाइल फ़ोन ले लेता है तो मोबाइल फ़ोन लेने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है, नहीं, मोबाइल फ़ोन लेने के बाद वहीं से उसका काम चालू हो जाता है। सबसे पहली बार हर महीने को तो 250 रुपये का रिचार्ज कराता है, पहली चीज़ कोई भी जब हमारे पास रिचार्ज कराने आता है तो 250 रुपये का रिचार्ज कराता है तो हमको उसमें से 10 रुपये तक का, 20 रुपये तक का हमको प्रॉफिट होता है। उसके बाद अगर हमसे कोई एक मोबाइल फ़ोन में हैंडफ्री खरीद के लेकर जाता है तो भी हमको उसमें 50-60 रुपये का प्रॉफिट होता है, अगर ऊपर का ग्लास ख़राब हो जाता है तो 8-9-10 रुपये का आता है, वो भी हम लोग 40-50 रुपये का डालते हैं, उसमें भी हमको प्रॉफिट होता है। अच्छा ये बात कस्टमर भी जानता है कि ये चीज़ इतने रुपये की आती है, हाँ बिल्कुल आती है उसको पता है, लेकिन वो कर नहीं सकता। भाई ये तो बात आपको भी पता है ना कि ब्लेड जो होता है ना 2 रुपये का ही आता है, लेकिन आप 2 रुपये के ब्लेड से आप अपना 1 लाख का पेट नहीं भर सकते।